दोस्तों पार्ट फोर के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सबसे पहले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट फोर को देखिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में मैंने बहुत चीज़ों को कवर कर लिया है, जैसे ड्राइंग शीट में, ड्राइंग शीट क्या होता है, ड्राफ्टिंग मशीन क्या होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो लास्ट वीडियो था वो हम लोग बता रहे थे कि स्केल के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो स्केल के टाइप में मैंने आपको बताया था कि साधारण स्केल क्या होता है, साधारण स्क्वायर से हम लोग केवल 2 यूनिट तक ही माप ले सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर और मीटर, और जो मेरा विकर्ण स्केल है उसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक माप ले सकते हैं, कितना, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक हम लोग उसमें माप ले सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण स्केल, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि मेरा विकर्ण स्केल के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मेरा तुलनात्मक स्केल क्या होता है, ठीक है। तो तुलनात्मक स्केल के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि तुलनात्मक स्केल होता क्या है, इस स्केल को कोरस्पोंडिंग स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो तुलनात्मक स्केल, जैसे तुलनात्मक स्केल, इसको सुनने से लग रहा है हाँ कुछ तोड़ने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग स्केल भी कहते हैं। इस स्केल का प्रयोग 2 भिन्न भिन्न यूनिटों में माप रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे किलोमीटर हो गया आपका दूरी के लिए, मीटर हो गया समय के लिए का तुलनात्मक कंपेरेटिव माप है। यह स्केल सिंपल या डायगोनल दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरा जो स्केल है ये मेरा दोनों टाइप की हो सकती है, मतलब डायगोनल भी हो सकता है और मेरा ये सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। इस स्केल के ऊपर दूसरी स्केल को बनाकर तैयार किया जाता है, मतलब एक स्केल के ऊपर दूसरे स्केल को बनाया जाता है, मतलब मान लीजिए मेरे पास ये स्केल है, अब इसी के ऊपर से एक और स्केल देख के इसको बनाया जाता है, ठीक है, दूसरी स्केल को बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें दोनों प्रकार की स्केल पर संबंधित भिन्न भिन्न यूनिट को पढ़ने में आसानी होती है। अब यहाँ पर जो 2 यूनिट मेरा दिखाया गया है, ये दोनों यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, 2 भिन्न भिन्न यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आता है वो मेरा नेक्स्ट और लास्ट जो मेरा है अभी, वर्नियर स्केल। तो स्केल का मेरा ये फोर्थ टाइप है, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का यूज कहाँ होता है, देखिए इस स्केल का प्रयोग बहुत सूक्ष्म माप को बड़ी शुद्धता से मापने के लिए विस्तार पूर्वक किया जाता है। इसमें वर्नियर स्केल का एक मेन स्केल तथा स्लाइड करता है। वर्नियर स्केल से ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच तक या 1/1000 इंच तक मान ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि 0.001 इंच तक या 1/1000 इंच तक माप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत VVI बन सकता है, ठीक है। तो ये मेरा जो स्केल का पार्ट था वो मेरे स्केल का पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है, एंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि रबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रबर क्या होता है, रबर का उपयोग किसी ड्राइंग को मिटाने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न डिग्री की कठोरता अनुसार नंबर में उपलब्ध है। रबर का प्रयोग करने से पहले उसे किसी साफ कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग इंजीनियरिंग का जो रबर होता है उसको सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ मिटाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको हम लोग ड्राइंग शीट को हम लोग मतलब उसको कपड़ा से पहले साफ करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा से पहले साफ करते हैं, उसके बाद हम लोग को लाइंस वगैरह मिटाने का काम में लाया जाता है, तो ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे जैसे मतलब ये इरेजर का मेरा यहाँ पर फिगर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ड्राइंग पेन क्या होता है। यह मार्केट में विभिन्न कंपनियों भारतीय व विदेश जैसी प्रोपल, एरिस्टो, रोटरिंग द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। यह अलग अलग मोटाई जैसे 0.1, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, 0.8 में कार्य के अनुसार उपयोग में किए जाते हैं। तो ये मेरा क्या है, ड्राइंग पेन है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ड्राइंग पेन का भी यूज होने लगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेरा पेन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा ड्राइंग स्याही क्या होता है। अब देखिए अगर आपके पास पेन है, ड्राइंग पेन है, तो उसके लिए स्याही भी होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि ड्राइंग स्याही क्या होता है, मेरा ड्राइंग बनाने के लिए अधिकतम वाटर प्रूफ काली स्याही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब वाटर प्रूफ मतलब पानी वगैरह में वो गले या भींगे नहीं, इस प्रकार का बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर आपके पास स्केच पेन है और उसमें पानी का अगर कुछ बूंद पड़ जाए तो वो फैल जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है।
यह निर्माता अनुसार अलग अलग नामों से जैसे विटो, कम्बल, रोटरिंग आदि अनेकों रंग से मिलती है। ठीक है, तो ड्रॉइंग सीआई का ये डिटेल आप लोग को यहाँ पर मिल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लैंप, कोलो टैप, ठीक है, ओ सॉरी सेलो टैप, ड्रॉइंग और पिन। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, इसका प्रयोग बोर्ड पर कागज को ठीक प्रकार से रखने के लिए किया जाता है। इसके लगाने से ड्राइंग शीट अपनी जगह पर रहती है और रेखाओं को भली भांति खींचा जा सकता है। ड्राइंग पिन लोहे की एक तरफ से नुकीला तथा ऊपर की ओर पीतल की केप द्वारा बनी रहती है। अब मान लीजिए मेरे पास ये ड्राइंग शीट है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ड्राइंग शीट है और ये मेरा, मान लीजिए कि ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा ड्राइंग शीट है, ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है। अब क्या करते हैं, पिन को हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ हम लोग कसते हैं, एक यहाँ कसते हैं, एक यहाँ कसते हैं, एक यहाँ कसते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरा इससे मेरा फायदा ये हो गया कि जो मेरा ड्राइंग शीट है वो अब मेरा हिलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ड्राफ्टर को सेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग ड्राफ्टर को सेट करते हैं और इस तरह से ड्राफ्टर को जो है वो रोटेट करके यहाँ वहाँ हम लोग पैरेलल लाइन को खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्लैंप का यूज करते हैं, पिन का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ कुछ कुछ जानने वाली बात होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नुकीला तथा ऊपर की ओर पीतल की कैंप द्वारा बनी होती है, ठीक है, किपल की वो बनी होती है। इसके अधिक उपयोग से बोर्ड में सुराख हो जाने के कारण बोर्ड भी खराब हो जाता है। हाँ देखिए, अब आप अगर किसी चीज में ये आपका जैसे नुकीला पिन है, इसको आप बोर्ड में बार बार डालेंगे क्योंकि आप जितना बार ड्रॉइंग कीजिएगा उतना बार इसको कसना होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बोर्ड भी खराब होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बना रहता है। इसलिए आजकल सेलो टेप का अधिक प्रयोग किया जाता है जो कि ड्राइंग शीट को बोर्ड पर चिपका कर स्थिर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको फायदा क्या हो गया कि उसमें हमको मेरा अब बोर्ड खराब नहीं होगा। सेलो टेप या आपके पास स्ट्रिप्स पिन भी आती है, उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा स्ट्रिप्स पिन जो है, इसको भी लगा के आप क्या कर सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं, मतलब जो मेरा ड्रॉइंग शीट है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, वो उसको स्थिर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रैंगमार क्या होता है, सैंड पेपर। देखिए सैंड पेपर का यूज़ हम लोग मेनली कहाँ करते हैं कि सैंड पेपर का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, यह ड्राइंग पेंसिल के सिक्के को नोकदार बनाने के काम में आता है। विभिन्न ग्रेडों में मिलता है परंतु ड्राइंग में फाइनल फाइन ग्रेड को रैंगमार अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आपको बताया था ना मैंने, सैंड पेपर का यूज किया जाता है किसको, पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए, ठीक है, नुकीला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर का यूज करते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि सैंड पेपर से हम लोग क्या करते हैं या ड्राइंग पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बोलना है रैगमार। इसको हिंदी में बोलते हैं रैगमार और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सैंड पेपर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ड्रेजिंग सील देखते हैं, इरेजिंग सील देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इरेजिंग सील देखते हैं। तो इसका उपयोग रबर द्वारा किसी रेखा को मिटाने तथा बाकी रेखाओं को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये तो छोटा सा टॉपिक था, हटाइए ड्रॉइंग शीट। हाँ अब देखिए ड्रॉइंग शीट आपका यहाँ पर एक अच्छा और बहुत ही इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है क्योंकि ड्रॉइंग शीट के बारे में आपको बहुत चीज जानना, ठीक है। तो मैं इसमें आज इस वीडियो को मैं यहीं पर मतलब एंड कर दूंगा, मतलब पूरा कोर्स को, मतलब पूरा ये चैप्टर को मैं बता के फोर्थ पार्ट में ही इसको कंप्लीट कर दूंगा और इसके बाद जो है मैं मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दूंगा लगभग 120 या 140 के आसपास में, और वो 40 मतलब 140 जो क्वेश्चन है आपका वो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को देखिएगा क्योंकि मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ड्रॉइंग शीट क्या होता है, ड्रॉइंग शीट मेरा क्या होता है, ड्रॉइंग शीट एक विशेष गुण वाले पेपर होते हैं जिस पर जूनियर ड्राफ्टमैन किसी वस्तु को विशेष अथवा अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है। अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए उत्तम क्वालिटी की ड्रॉइंग शीट होनी आवश्यक है जिस पर लाइनें साफ साफ तीखी खींची जा सकती है और रबर द्वारा ड्रॉइंग रेखाओं मिटाने पर काला नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए अब मार्केट में तो आपके पास ड्रॉइंग शीट बहुत टाइप का आता है, ठीक है। अब आप सस्ता वाला ले लीजिएगा, उसमें एक आप स्केच अगर कर दिए और रबर से उसको आप अगर मिटा रहे हैं तो मेरा क्या होता है, काला काला मेरा धब्बा आ जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ जो है वो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम लोग को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी जो मेरा ड्राइंग शीट होता है उसको हम लोग यूज़ में लाते हैं, ठीक है। अच्छी हम लोग ड्राइंग शीट को लाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा कुछ ड्राइंग शीट का जो है ये मेरा दिया गया है फिगर, तो
तो ड्रॉइंग शीट का फिगर आपको क्या देंगे, ड्रॉइंग शीट आपको मालूम होगा। ड्रॉइंग शीट दो प्रकार के होते हैं जिनका लंबाई चौड़ाई का अनुपात प्रायः 1:1 होता है। तो ये आपको क्वेश्चन